ये साल था 1980। जगह थी बंबई के अमीर इलाकों में से एक, पैडर रोड। यहां से एक काली मर्सिडीज कार एक बंगले से बाहर निकलती है। बालकनी के ऊपर खड़ा एक आदमी सिगरेट पीते हुए मर्सिडीज को बाहर जाते हुए देख रहा था। करीब 2 घंटों के बाद मर्सिडीज वापस आती है और इस बार वो एक महिला को लेकर आती है। बंगले की बालकनी में खड़ा वो आदमी अब तक 555 ब्रांड की 6-7 सिगरेट पी चुका था। बारिश तेज थी, उसके बावजूद ड्राइवर जल्दी से उतरकर कार का दरवाजा खोलता है, जिसमें से एक 70 साल की बुजुर्ग महिला उतरती है, जिनका नाम था जैनाबाई दारूवाली। और बालकनी में जो आदमी खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि वो मुंबई का मशहूर डॉन था, जिसको मीडिया ने लेजेंड डॉन का नाम दिया था, यानी कि हाजी मस्तान मिर्जा। जैनाबाई दारूवाली मुंबई की माफिया क्वीन थी। बड़े बड़े मुंबई के डॉन जैनाबाई के कांटेक्ट में रहते और उनका कहना मानते थे। बड़े बड़े गैंगवार को जैनाबाई शांत करा देती और छोटे छोटे मामलों को भी निपटा डालती थी। कुल मिलाकर पूरे मुंबई में उनका सिक्का चलने लगा था। जैनाबाई वो महिला थी जिससे वरदराजन मुदलियार, करीम लाला, मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील जैसे डॉन उन्हें मौसी कहकर बुलाते थे, जिसे हाजी मस्तान अपनी बहन कहकर बुलाता था। वह महिला जिसका सरकार भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जिसका हर आदेश अंडरवर्ल्ड के लिए पत्थर की लकीर हुआ करता था। बीबीसी में छपी एक खबर के मुताबिक डोंगरी टू दुबई के लेखक हुसैन जैदी ने बताया था, मस्तान जैनाबाई को अपनी बहन की तरह मानते थे और कई मुश्किल मसलों पर उनकी सलाह लिया करते थे। उस दिन भी उन्होंने जैनाबाई को इसी काम से अपनी कार भेजकर अपने घर बुलवाया था। खाना खाने के बाद हाजी मस्तान ने उनसे कहा कि मध्य बंबई में बेलासेज रोड पर मेरी एक प्रॉपर्टी है, जिस पर गुजरात के बनासकांठा जिले के चिलिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। करीम लाला ने मेरे कहने पर उनको वहां से हटाने के लिए अपने गुंडे भेजे थे, लेकिन चिलिया लोगों ने उनके हाथ पैर तोड़कर उन्हें वापस भेज दिया। हुसैन जैदी आगे बताते हैं, जैनाबाई ने एक कलम और कागज मंगवाया और कागज पर एक लकीर खींचकर मस्तान से बोली, क्या तुम इस लकीर को बिना छुए छोटा कर सकते हो? मस्तान ने कहा, आपा, मैंने आपको एक गंभीर मसले पर सलाह करने के लिए बुलाया है और आप मुझसे पहेली हल करवा रही हैं। जैनाबाई हंसी और बोली, तुम्हारी इस समस्या का हल इसी पहेली में छुपा हुआ है। हाजी मस्तान ने अपना माथा पकड़ते हुए पूछा, कैसे? जैनाबाई ने फिर कलम उठाया और उस लकीर के बगल में एक बड़ी लकीर खींचते हुए बोली, ऐसे, इस लकीर को बिना छुए हुए छोटा किया जा सकता है। फिर उन्होंने मस्तान को समझाते हुए कहा कि तुम एक बड़ी ताकत बनाओगे जो कि चिलिया लोगों की ताकत से कहीं बड़ी ताकत होगी। मस्तान ने पूछा, ये कैसे संभव है? जैनाबाई ने कहा, तुम पठानों और दाऊद इब्राहिम के गैंग के बीच सुलह करवाओगे और फिर ये दोनों मिलकर तुम्हारा काम करेंगे। बताया जाता है कि जैनाबाई के कहे अनुसार ऐसा ही हुआ। मस्तान ने अपने घर पर दोनों गैंग्स की मीटिंग बुलवाई और सुलह करवा दी। उसके बाद हाजी मस्तान ने दाऊद गैंग और पठान गैंग को अपनी प्रॉब्लम बताई। अब दोनों गैंग मिलकर ताकतवर हुए और इन्होंने मिलकर चिलिया लोगों को वहां से हटने पर मजबूर कर दिया। बाद में उसी जमीन पर अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान ने एक बिल्डिंग बनाई और उसका नाम रखा था मस्तान टावर्स।